प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री क्रोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन कुंजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयबंधनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समान नृतल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरह सिद्ध होई गण नायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गण नायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। ही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करू धरू चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम।
कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाखें तो वहां जाऊं, तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साई मिलेंगे पूछेंगे कुसलात, आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। कबीर तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदा इनके हृदय न समा। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हार, बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नख सिख बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो सवार। बंदे तू कर बंदगी, बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदारे अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूटे गिरे वो बोर न लगता डार। मानुष जन्म पाय के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देह का ये विनस जावे छन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो हो और यतन कछु नाही। कबीर श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, न जाने इस श्वास को हो आवण हो के न हो। वो पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चकर चलंत,
रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। वो मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से वो हिरण्यकश्यपु बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, ग्रीब दास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी वो जम के पड़े जंजीरम। परमपिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान कराने के लिए स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं। ये वही परमेश्वर हैं जो बनारस में काशी में हिंदुस्तान भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर सन 1398 में अर्थात संवत 1455 को ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी के दिन एक लहर तारा तालाब में विकसित कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। अपने सतलोक से चलकर आए थे। 120 वर्ष तक वो परमात्मा यहां रहे इस धरातल पर, और यहीं से सर्व ब्रह्मांडों का कंट्रोल भी करते रहे। और यहां एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी उन्होंने की, यथार्थ ज्ञान प्रचार किया। उसमें पूरा मानव समाज काल प्रेरणा से शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से परिपूर्ण होता है। तब परमात्मा आते हैं अपने तत्व ज्ञान से उस अज्ञान रूप अंधकार को हटाते हैं। परमपिता परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हें मानव शरीर आत्म कल्याण के लिए प्राप्त हुआ है। परमेश्वर बताते हैं कि मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, भाई जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया किस काम। अब जैसे जिस कुएं के अंदर जल नहीं है और वो कितना सुंदर बना रखा है, चाहे पक्का भी कर रखा है, उसको कंस्ट्रक्शन भी कर रखी है, बढ़िया प्लास्टर कर रखा है, यदि उसमें जल नहीं है उसका नाम कूप अवश्य है लेकिन गुण कूप के नहीं है। इसी प्रकार जो मनुष्य शरीर पाकर के परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे, उनका नाम मनुष्य अवश्य है लेकिन आकार मनुष्य जैसा है लेकिन कर्म मनुष्य के नहीं है। क्योंकि मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है परमात्मा की भक्ति करना, आत्म कल्याण करवाना। इस परमात्मा की भक्ति पर जब ये इंसान लगता है तो इसके अंदर शिष्टाचार सदाचार विनम्रता विकार रहित ये होना पड़ता है, अन्यथा भक्ति नहीं चलेगी। तो इस भक्ति से परमात्मा की यथार्थ साधना से ही ये मानो इंसान के गुणों युक्त होता है। अन्यथा जो भी परमात्मा की भक्ति ना कर रहे, बाकी जो कर्म है शेष कर्म अन्य प्राणियों जैसे ही मनुष्य भी करता है, संतानों उत्पत्ति उनमें मोह ममता, फिर उनके ही पालन पोषण के चक्कर में सारा जीवन व्यर्थ कर देना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, प्रत्येक प्राणी कर रहा है। यदि मनुष्य का काम भी इतना ही होता तो मानव शरीर परमात्मा नहीं देता। 84 लाख प्रकार की योनियां प्राणी बना रखे हैं, एक और बना देता और स्वरूप बना देता, उसको क्या देर लगती। मनुष्य शरीर इसलिए दिया है कि इसमें परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है कि हम प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए एक
हट बना सकते हैं, झोंपड़ी डाल सकते हैं उसको। चाहे हट को आप पक्की ईंटों से बना लो, चाहे पत्थर से बना लो, और चाहे शेड डाल लो टीन का, या वैसे घास फूस की बना लो, उन सभी का कार्य है प्राकृतिक आपदाओं से बचना। जैसे आंधी आ गई, ओले गिर गए, एकदम वर्षा आ जाती है, धूप अधिक होती है, सर्दी ज्यादा होती है, तो हम इन आपदाओं के कारण व्यवस्थित नहीं रह सकते। और यदि हमने झोंपड़ी बना डाल रखी है या मकान बना रखा है, तो उसमें हम इन आपदाओं से बच सकते हैं। हमारे कपड़े ना भीजें, आटा खराब ना होए, लकड़ी ना गिल्ली होए जिससे हम खाना डेली बनाते हैं। इस उद्देश्य से मनुष्य ने ये मकान बनाने शुरू किए थे, और इतनी ही आवश्यकता है इनकी। अब हम अज्ञानता के अंदर इतने जो है ना पहुंच गए हैं कि हमने मकान बनाने की ही दौड़ लगा दी, इसी तरफ हमारा पूरा समय डाइवर्ट हो गया। बढ़िया कोठी बनावे, दो दो तीन तीन मंजिल की बनावे, उसमें चिप्स लगावे हैं, उसी के अंदर पता नहीं क्या के डेकोरेशन रख ले, और फिर इतनी अच्छी कोठी बनाएंगे 10-20 लाख रुपए की, तो वो दो नंबर से धंधा करना पड़ेगा, पाप का भागी होगा, भगवान का दोषी, सरकार का दोषी, और भक्ति नहीं कर सकता वो प्राणी। ठीक है, परमात्मा ने आपके भाग्य में आपके पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य दिया हुआ है, उससे आपके पास पैसा भी है तो मकान बना लीजिए, जैसा भी आपका पॉकेट अलाउ करता है बना लीजिए। लेकिन फिर एक कोठी बन गई, फिर दूसरी बना ले, फिर तीसरी बना ले, है कोई बात हो या? और फिर एकदम मृत्यु हो जा, फिर गधा बनकर कुत्ता बनकर उन कोठियां के गली में भी नहीं बैठ सकता। अंदर तो बात दूर है, बाहर भी नहीं बैठ सकता, मारेंगे लठने का, दूर मारो इनके, कुत्ते से बीमारी ना लग जा, क्यों खाज लगेगी, टांग टूटेगी, आंख फूटे, अगर इसे निकम्मे आदमी की जो भक्ति नहीं करता, सारा जीवन बर्बाद कर देता है अपने इस माया के जोड़ में। तो पुण्यात्माओं, ये बातें जो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं अपने पवित्र वाणी के माध्यम से, परमात्मा कहते हैं कि ये बातें कहन सुन की नहीं है, ये कर पाड़ने की है। ये हमने सुना दिया, आप ना अच्छी लगी, अच्छी लगी तो आप ने आगे सुनाने लगे, नहीं आगे सुनाओ अवश्य, लेकिन स्वयं अमल करो पहले, उसके बाद दूसरे पे आपकी बात का असर होगा, नहीं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप भी अपना जीवन व्यर्थ करोगे। तो क्या बताते हैं परमात्मा के, मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किस काम। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट जा वो बहुत न लगता डार। अब जैसे आज आप एक परिवार रूपी आपका एक पेड़ है, आप उसके पत्ते हैं, और एक पत्ता गिर गया टूट गए, वो पुनः स्थापित नहीं हो सकता उसी डार पर। इसी प्रकार आपका ये मनुष्य शरीर एक बार हाथ से छूट गया, आपको फिर प्राप्त नहीं होगा इस परिवार में यही शरीर। अब कहने का भाव ये है कि हमारा यहां पर अस्थाई ठिकाना है, और इसका ये भी नहीं मालूम ये है कितने दिन का। ठीक है, हम अप्रोक्सीमेशन लाके अंदाजा सा लाकर जी रहे हैं कि 100 वर्ष तो आदमी जी ही जाता है। अब 70-80 साल के बाद तो यो शरीर जी आपकी जान का झाड़ हो जाएगा, यो जियो चाहे मरो एक जैसा स्थिति में आ जाता है। तो 50-60-70 साल तक इसका जीवन है, उसका न्यू भी ना पता पहले कब टिकट कट जा, ना जाने कब और किस कारण से ये मृत्यु शरीर संसार त्याग कर चला जाए।
तो उसके लिए परमात्मा कहते नहीं भरोसा देह का, ये विनस जावे छन माही। और कहते हैं भाई श्वास, उस श्वास से जो आपको मंत्र मिला है प्रभु का सतनाम, जो श्वास उस श्वास से सिमरण होता है, कहते श्वास उस श्वास से नाम जपो भाई और यतन कछुनाई। यह शरीर तो जाएगा, आज नहीं तो 10 वर्ष में, 10 ना 20 में, ना 30 में, ना 40 में, इसको तो जाना है। ये ना किसी का रहा ना रहेगा, लेकिन इसके जाने की तिथि भी निर्धारित नहीं है, अंदाजा है। तो फिर भी हम गफलत कर रहे हैं यही सोचकर हम अभी नहीं मरेंगे, हमारी तो आयु अभी 40 वर्ष हुई है, हमारी तो 50 वर्ष हुई है, अभी तो बहुत समय है। यह सबसे बड़ी भूल इस प्राणी का काल न ला रखी है। परमेश्वर कहते हैं कि मौत भूल गया बावड़े, तने चाला कर दिया कौन, और तन माटी में मिल जाएगा भाई जो अट्टे में नोन है। कहते हैं या दुनिया का जीवन झूठा भूल रहे मर जाने नो, इस दुनिया का ये जीवन झूठा है, व्यर्थ है, इसका नहीं पता कब समाप्त हो जाए। और भूल गए मर जाने नू, यानी मौत भूल गए। पुण्यात्मा काल का इतना जबरदस्त प्रभाव आपके ऊपर, आप बालक हो, आपको नहीं पता, क्योंकि संत डॉक्टर होते हैं और श्रोता एक मरीज होते हैं। अब डॉक्टर को पता है कि ये यदि ये ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो इनके ऊपर कितना भयंकर रोग है, इनकी क्या दुर्दशा होगी, इसलिए वो बार बार कहता भी इलाज करवा, गफलत मत कर और परहेज रख। तो परमात्मा भी कहते हैं औखत खावे पत्थर है तब होवे कल्याण। औखत खावे यानी दवाई ले, परमात्मा के सच्चे नाम रूपी ये औषधि खावे, और फिर पत्थर है, पत्थ माने परहेज रख है, तब तेरा कल्याण होगा। परमेश्वर हमें बार बार याद दिलाते हैं कि भाई, फिर परमात्मा ये भी हमें साथ साथ एक और बताना चाहते हैं कि कबीरा ये तन जाएगा और सके तो ठाहर ला, या सेवा, एक सेवा कर संत की और गोविंद के गुण गा। अब ये शरीर तो आपका जाएगा, मृत्यु होगी ही होगी, फिर इसके लिए बताते हैं कि इसमें एक ठाहर लग सकती है। ठाहर माने सपोर्ट, जैसे पहले पुराने समय में सतीर और कड़ियों की छत देते थे मकान पर, अभी बहुत से गांव में एक सतीर होता था लंबा सा, उड्डन बीम जिसको कहते हैं, आजकल तो इसके आरसीसी के बीम हो गए, वो लकड़ी का बीम होता था, उसको सैतीर बोलते हैं। तो वो सैतीर कई बार बीच से क्रैक हो जाता था और टूटने को, गिरने को हो जाता था। अब जैसे वो उड्डन बीम होता है सैतीर, वो टूटने को हो जाता, उसमें क्रैक आ जाता बीच में सेंटर में, और गरीब व्यक्ति रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता अपने मकान की छत की, तो क्या करते थे, उसके नीचे एक और सपोर्ट दे देते थे, उसी जहां क्रैक हो रहा था उसके नीचे, उसको थोड़ी भी बोल देते हैं और उसको बली भी बोल देते हैं, बली लगा दी नीचे, यानी और एक पिलर सा लकड़ का एक डंडा, अच्छा मोटा, कड़ी से भी मोटा, वो उसके लगा दिया करते नीचे उसको सपोर्ट दे करके, तो उसको ठाहर बोलते हैं, ठाहर। वो ठाहर लाने के बाद वही सैतीर मनवाने 20-30 वर्ष और निकाल देता था, वह छत नहीं गिरती थी, डिस्टर्ब नहीं होता था। ऐसे परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि यदि तू इस जीवन को एक्सटेंड भी करवाना चाहता है, वैसे तो तेरा कोई भरोसा नहीं है, ये तो उस उड्डन बीम से भी कमजोर शरीर है आपका, और कभी भी किन्हीं कारणों से ये विनाश हो सकता है। और इसमें आप कुछ ठहर लाना चाहते हो, इसको एक्सटेंशन करवाना चाहते हो, तो क्या बताया है, कबीर ये तन जावेगा सके तो ठहर लाए,
एक सेवा कर संत की और गोविंद के गुण गाए। संत की सेवा करने का तात्पर्य है कि पूरे संत पूर्ण संत को ढूंढ कर खोज कर उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर आप लग जाइए और जो वो मंत्र जाप आपको दे उस नाम का जाप कीजिए। परमात्मा आपको बताते हैं कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, अंतिम श्वास तक जब तक तेरे शरीर में श्वास है तब तक तूने इस भक्ति का स्मरण इस नाम का स्मरण करते रहना होगा। और कहते फिर कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। अब परमात्मा कहते हैं तू कल्पना छोड़ दे और जो हम मार्ग तुझे बता रहे हैं इस अनुसार तू भक्ति करता रहे, और फिर तुझे जब मेरे से काम पड़ेगा यानी परमात्मा सतर का जब आपका कार्य होगा फिर देखना मैं तेरी कैसे रक्षा करता हूं। अब हम अनजानपने में हम घने बोले हैं और हम काल के द्वारा घने सताए गए हैं। हम क्या समझते हैं किसी किसी का बेटा अच्छा पहलवान सा हो गया तेने सोच लिया बस तेरा बेटा कैसा कोई नहीं यो इतना सुरक्षक हो गया और बेटा एक्सीडेंट में मर गया फिर कौन। तो हमारी ये कुतरुआ कैसी सोच है, हम भगवान उस सतर पर नहीं आते जहां भगवान हमें लाना चाहता है। कोई मुख्यमंत्री मंत्री प्रधानमंत्री ने की आड़ लेकर पता नहीं के बने बैठे हैं कितने आदमी सता दे है, और कल ने उस मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की टिकट कटकी की तय अचानक कभी भी मर सकता है, तो मिट्टी का महल है सबका, फिर कित बाढ़ में जाएगा। भगत कह रहा था हमारा रिश्तेदार था और वो संजय गांधी का गणा निकट था, उसकी आड़ में और उनकी उसकी माता जी का राज था श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, उस संजय गांधी की आड़ में उस ना जाने कितने आदमी सता रखे थे, और फिर वो संजय गांधी अचानक दुर्घटना में मर गया। वो छह महीने तक घर से बाहर नहीं निकला, तन बाहर जानते मारे माए टट्टी करे घर में माए रह सूख का काटा हो गया। तो ये नकली सारे पकड़ के बैठ जाते हम पीछे एक मुख्यमंत्री जी की अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की दुर्घटना में मृत्यु होगी। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे हेलीकॉप्टर से दुर्घटनाग्रस्त हो मृत्यु को प्राप्त हुए, उसके साथ लगभग 125 आदमी और आत्महत्या कर गए। वो क्यों कर गए, क्या उस तो प्रेम था घर के ना मेरे उसके प्रेम में, वो कोई और न सता रहे थे या उसकी आड़ में गणा बिजनेस ठा रहे थे दुनिया ने लूटने के लिए। वो बिजनेस खत्म हो गया क्यों, उनकी वह आड़ खत्म होगी आप भी गए, तो उस माया ने के सिर पर धर ले गए जिसकी खारत खत के लिए जीवन बर्बाद कर दिया। तो परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि तुम इन नकली सहारों की आड़ में और अपने आप को सुरक्षित मान बैठते हो, परमात्मा ही की ओट लो। तो भगवान हमें क्या बताते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कदे त दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब कौन से राम का नाम जाप करना है, अब हम कहते हैं राम नाम रटते रहो, तो आम व्यक्ति जो अभी तक पवित्र हिंदू समाज का श्री रामचंद्र पुत्र राजा दशरथ जी को अपना इष्ट मानता है और उसी को सुप्रीम पावर मानता है, हिंदू समाज में ये एक विशेष धारणा है कि जो राजा दशरथ के घर जन्मे अयोध्या में श्री रामचंद्र जी वो सुप्रीम पावर हैं और वही उसी का नाम जपना चाहिए, राम 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 उसी का नाम है।
नहीं, ये राम नाम तो सतयुग में महर्षि वाल्मीकि भी जपते थे जब तक तो रामचंद्र जी का जन्म भी नहीं हुआ था, ये त्रेता में जन्मे हैं। तो पुण्यात्माओं, हम अज्ञानता के कारण इस अध्यात्म ज्ञान से कोसों दूर हो गए और लोक वेद के आधार से हम पता नहीं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा ये ज्ञान सुन और सुना रहे हैं। तो राम का नाम, राम कौन है? राम कहो, देव कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, ये रब कहो, ये भाषा भिन्न नाम है और एक परम शक्ति का नाम है ये। अब पहले हम राम की परिभाषा बताते हैं। हम परमेश्वर की परिभाषा से, प्रभु की परिभाषा से भी परिचित नहीं है, इसलिए हम ठीक दिशा नहीं प्राप्त कर पा रहे। राम का अर्थ है वो शक्ति जो सबका कंट्रोल करती है, वो पावर जो सबका कंट्रोलर है, सबका उत्पत्ति करता है। जैसे पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में तीन पुरुष बताए हैं, एक सर्पुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक परम अक्षर पुरुष यानी उत्तम पुरुष। एक तो अक्षर पुरुष, सर्पुरुष का अर्थ होता है नाशवान प्रभु, पुरुष माने प्रभु। अब परमात्मा पुरुष जैसा है, मनुष्य जैसा ही प्रभु है, इसलिए पुरुष का अर्थ प्रभु भी है और मनुष्य को भी पुरुष बोल देते हैं, क्योंकि हम परमात्मा के ही नाम पर अपने नाम रखते हैं। जैसे रामचंद्र रख लिया, कृष्ण रख लिया, तो इस तरह वो राम अलग हैं जिनके आधार से हम प्रभावित होकर अपने नाम रखते हैं। तो पुरुष माने, पुरुष मीन प्रभु। तो एक उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष तो अन्य है, अर्थात सर्पुरुष और अक्षर पुरुष से जो श्रेष्ठ परमात्मा है वो तो कोई और है, वही परमात्मा कहलाता है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अवै ईश्वर अविनाशी परमात्मा है। अब इसको समझने के लिए छोटा सा उदाहरण आपको बताएंगे। जैसे आप किसी एक स्टेट से शुरू कीजिए या किसी विभाग से शुरू कीजिए, जैसे पुलिस विभाग है उसमें सिपाही लगता है, फिर हौलदार साहब और फिर एएसआई साहब, फिर एसएचओ साहब और फिर भाई डीएसपी साहब, फिर एसपी साहब, आईजी साहब और फिर डीजी साहब, फिर गृह मंत्री साहब, फिर मुख्यमंत्री साहब और फिर प्रधानमंत्री साहब और राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब कहलाते हैं। हवलदार से साहब कहलाना शुरू करते हैं और राष्ट्रपति तक सभी साहब ही अपनी उनकी उपमा की जाती है, साहब से संबोधन किए जाते हैं। लेकिन इन साहबों में, इनकी शक्ति में, इनकी पावर में, कार्य क्षेत्र में दिन रात का अंतर होता चला जाता है। अब प्रधानमंत्री जी भी साहब हैं, राष्ट्रपति जी भी साहब हैं और एक हौलदार जी भी साहब हैं और एक मुख्यमंत्री जी भी साहब हैं और मंत्री जी भी साहब हैं, तो इनमें कितना अंतर है प्रत्येक की शक्ति में, पावर में। ऐसे ही देव शब्द, प्रभु कहो, देव कहो, राम कहो, मालिक कहो, स्वामी कहो, पति कहो, ये शब्द है। अब परमेश्वर क्यों कहना पड़ा? जैसे ईश कहो, ईश्वर कहो, चाहे परमेश्वर कहो, लेकिन ईश ही शब्द सुफिशेंट था। ईश कहो चाहे राम कहो, देव कहो, ये बहुत ही, ये एक ही नाम काफी है, बहुत है, सुफिशेंट है, पर्याप्त है प्रभु की परिभाषा के लिए। लेकिन ये साहब गणे हो गए। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी साहब हैं, ये एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग के साहब हैं, मालिक हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं।
रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शिव जी, ये एक ब्रह्मांड में और केवल तीन लोकों में, पृथ्वी लोक, एक पाताल लोक, ऊपर स्वर्ग लोक, इन तीन लोकों के प्राणियों के ऊपर ये स्वामी है, एक विभागीय मंत्री है। इनके पिताजी अर्थात ब्रह्म, ज्योति निरंजन कहो इसे, सर पुरुष कहो, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो प्रभु बताए हैं, दो पुरुष बताए हैं, एक सर पुरुष एक अक्षर पुरुष। तो इनके पिता जो सर पुरुष यानी ब्रह्म है, वो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, राम है, देव है, और उस प्रत्येक ब्रह्मांड में ये एज ए चीफ मिनिस्टर रोल करता है, समझने के लिए इतना शब्द। और इसके तीनों पुत्र यहाँ के एक कैबिनेट सत्र के मिनिस्टर होते हैं, ये समझो। और बाकी 33 करोड़ देवता वो अलग अलग उनके और विभाग दे रखे हैं। अब जैसे एक विधानसभा में, जैसे हरियाणा की विधानसभा में 90 एमएलए की सीट है, ये फिक्स्ड है, ऐसे ही 33 करोड़ देवताओं की फीस, ये सीट फिक्स है, इतने ये देवता बनते ही बनते हैं और ये मरते रहते हैं, दूसरे उस योग्य होते हैं उनको उस पद पर विराजमान कर दिया जाता है, ये भी नाशवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक विभाग में केवल एक विभागीय मंत्री हैं, और इनके पिता जो ब्रह्म हैं वो 21 ब्रह्मांड में राम हैं, 21 ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में जो दो पुरुषों में से जो अक्षर पुरुष है, ये परब्रह्म समझो, अक्षर पुरुष को परब्रह्म भी बोलते हैं, एक ब्रह्म, एक नेक्स्ट ब्रह्म, इससे दूसरा ब्रह्म, तो उसके सात संख ब्रह्मांड हैं, सात संख, जैसे गणित के हिसाब से करते हैं, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब, ऐसे नील पदम संख, सात संख ब्रह्मांड का वो स्वामी है। इसकी आयु बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको अविनाशी यानी चिरस्थाई कह सकते हैं। अक्षर पुरुष यहां पर जो शब्द है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में, दो पुरुष जो बताए, अक्षर पुरुष यानी नाशवान प्रभु और अक्षर पुरुष अविनाशी प्रभु, अक्षर का अर्थ होता है जिसका नाश ना हो, जो क्षर ना हो, लेकिन यहां इसमें इसको चिरस्थाई कह सकते हैं, वास्तव में अविनाशी नहीं, अक्षर पुरुष अवश्य इसका इसके संज्ञा लगाई है, उपमा लगाई है, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, क्योंकि 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत इसको स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य और परमात्मा इति उदारते, उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा वो परम ब्रह्म, परम ब्रह्म होता है जो, एक तो होता ब्रह्म, एक पर ब्रह्म, एक परम ब्रह्म, परम माने श्रेष्ठ, उत्तम ब्रह्म माने परमात्मा, वो तो कोई और है, और वही परमात्मा यानी परमात्मा का अर्थ होता है उत्तिष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, परम श्रेष्ठ, वही श्रेष्ठ आत्मा यानी वही परमात्मा कहलाता है। परमात्मा का सीधा सा विधान है, परमात्मा की परिभाषा यह है कि परमात्मा उसे कहते हैं जो दुख ना दे केवल सुख सुख दे, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा कहते हैं। और जो यहां कैसा बुरा हाल कर रखा हमारा, किसी की बेटा मर जाए, किसी की बेटी मर, किसी की आंख फूटे, किसी की कोड लाग रहा, किसी कैंसर में चिल्ला रहा है, जिसके राज्य में ऐसा दुखी प्राणी वो परमात्मा नहीं हो सकता, वो स्वामी अवश्य है। जैसे कसाई बकरे पालता है वो बकरियां का स्वामी है, लेकिन अच्छी आत्मा नहीं है, वो श्रेष्ठ आत्मा नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। तो यहां स्पष्ट किया है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है, श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है, परमात्मा इति उदारते, जो अच्छी आत्मा यानी वो दयालु भगवान, वो श्रेष्ठ आत्मा वाला परमात्मा, नेक आत्मा जिसको कहते हैं, वो अलग है। और ये लोक तरणम आविश्य विभर्ति, वो अवय ईश्वर है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी प्रभु। तो अब हमने ईश, तो हम समझेंगे ब्रह्म को, और ईश्वर
यानी इससे श्रेष्ठ, इसका इससे ऊपर वो कौन है? वो परब्रह्म। और परमेश्वर शब्द क्यों बोला गया? क्योंकि ये ईश से भी और इस ईश्वर से भी वो श्रेष्ठ परमात्मा है, परमेश्वर। वो परम है, श्रेष्ठ है, वो परमेश्वर है। तो ऐसे हमने प्रभु की परिभाषा को समझना है। अब कौन सा राम है? अब ओवर ऑल कंट्रोलर जो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुष जो और ही है, वो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, राम है, स्वामी है, देव है, प्रभु है। अब हमने शिव भगवान को जो यहाँ का त्रिलोकीय विभागीय, एक विभागीय मंत्री है एक ब्रह्मांड में, उसको महादेव की संज्ञा से, महादेव की उपमा से सुशोभित करते हैं। महादेव, महादेव का अर्थ होता है बड़ा भगवान। अब यदि महादेव हम कहें वेदों अनुसार, तो महादेव वो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, हम उसको ही महादेव कहेंगे। अब यहां फिर और स्थिति आ जाती है, जैसे यहां भी देव हैं, 33 करोड़ देवताओं में जो महान है, बड़ा है, इसलिए इनको महादेव कह दिया जाता है। तो इस पूरी परिभाषा को समझने के लिए ही ये सत्संग किया जाता है, सीडी बनाई जाती है। यहां नहीं समझ में आओ तो इन सीडी को ले जाओ, डीवीडी अपना चलाकर देखो, बार बार इस ज्ञान को ग्रहण करो, इससे ज्ञान यज्ञ का फल आपको मिलेगा। और जब तक हम ज्ञान से पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं होंगे, तब तक हम भक्ति पर स्थिर नहीं हो सकते। ठीक है, जब तक आपको सुख होते रहेंगे तो आप गुण गाते रहोगे, और जिस दिन एकादश मालिक नहीं चाहेगा आपको और आप चाहते हो कि मेरा ऐसा हो, आपको परमात्मा ने वो नहीं दिया, वो लाभ नहीं दिया, तो आप कभी भी विमुख हो सकते हो, तो वो भक्त नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से, विचारों से, सत्संग से, ज्ञान से हटकर एक परमात्मा तत्व, परमात्मा के एक उस तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, एक परमात्मा पर टिक जाएगा, तब तू योग को प्राप्त होगा। यानी तब तुझे तू भक्त बनेगा तो योगी होगा, अन्यथा तन कोई विचलित कर देगा बीच में, तू भक्ति नहीं कर सकेगा। तो ये दास चाहता है कि आपको ऐसा ज्ञान सुनाऊं कि आप बीच में अपनी भक्ति में विचलित ना हो, नहीं तो परमात्मा क्या बताते हैं। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो हमने बताया इस मार्ग को करते रहिए, और एक दिन आन उपासना कर लीजिए अन्य देवताओं की, या कोई और पूजा कर लीजिए, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब इन बातों को बहुत गहराई से आपने सोचना पड़ेगा कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा। अब जैसे आपने 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष इस दास से उपदेश लेकर के मर्यादा में रहते हुए साधना की, आपके पुण्य गुड अकाउंट में लिखे गए, फिर आप विचलित हो गए, इस भक्ति मार्ग से विचलित कर दिया किसी नालायक व्यक्ति ने, और आप में ज्ञान था नहीं, तो आप काल की फांसी गल गई आपके, आप अन्य पूजा करने लगी या पूजा करनी ही बंद कर दी, तो आप काल की डोर में बंध गए। क्योंकि जो साधना आप कर रहे हो ये 2-4 वर्ष करने के बाद, आप ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि प्राप्त करने योग्य पुण्य कर्मी प्राणी बन जाते हो, और उससे पहले आपको ना जाने कितने सुख स्वर्ग में, महास्वर्ग में, क्योंकि जैसे आपको ये 5-7 मंत्र दिए जाते हैं, इनसे बीच के जो मंत्र हैं 5, ये प्रत्येक ईष्ट जो देव हैं, जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा, गणेश, इनके मंत्र हैं, इनके मंत्र के नाम की मजदूरी से आप जो परमात्मा से विमुख हुआ प्राणी इनके पास पहुंच जाएगा। तरती वाइज पहले मान लीजिए आप गणेश जी के लोक में चले गए, उस प्रथम मंत्र के जो आपको गणेश जी का मंत्र दिया जाता है,
उसकी कमाई से, तो वहां आप गण बन जाओगे। वहां पर यो गणेश उनका मालिक है, गणों का, गण माने वहां पर देव, गण कहो उन्हें देव कहो, वहां के जो साहब हैं, वहां की अच्छी आत्माएं हैं, उच्च पोस्ट प्राप्त हो जाती है, तो वहां रिद्धि सिद्धियां होती हैं आप में, आकाश में उड़ जाना, इस तरह की बहुत सी सिद्धियां आप में हो जाती हैं, जब चाहे यहां आ जाना, किसी में प्रवेश करके सूक्ष्म शरीर हो जाता प्राणी का, किसी अपने मित्र में या अपने कोई खास रिश्तेदार में या बड़े बेटे में आया, प्रवेश कर गया, आशीर्वाद दे गया, ऐसे अपनी कमाई बर्बाद कर जावे, फिर पितर रूप में दिख जावे, इस तरह की ये कलाबाजियां ये प्राणी करके अपना जीवन बर्बाद कर देता, वो कमाई नष्ट कर देता। उसके बाद ये जाएगा ब्रह्मा के जी के लोक में, वहां भी ऐसे ही स्वर्ग है, अलग से एक व्यवस्था है, नारा लोक है, तो वहां बहुत अच्छी पोस्ट प्राप्त होगी। उसके बाद फिर जाएगा ये शिव जी के लोक में, फिर विष्णु के लोक में, फिर दुर्गा के लोक में। जब वहां इसका जोड़ा सा जड़ लेगा, वह सारी कमाई नष्ट हो जाएगी, फिर इसके पास रह जाता है वो दो मंत्र के जाप की कमाई, और साथ में ये यज्ञ करते हो, उनको क्या करता है ये काल, फिर इसने स्वर्ग लोक महास्वर्ग में एक नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक बना रखे हैं, तो उनमें ये बहुत समय तक रहता है, ओम नाम के जाप की कमाई को वहां बर्बाद करता है। और फिर जो तीसरा दूसरा मंत्र है, उसमें जो दो मंत्र होते हैं सतनाम में, उसकी कमाई को फिर ये ब्रह्मलोक के सबसे ऊपर के लोकों में रख, वो लोक में रखता है जहां ये स्वयं रहता है, वहां अलग से व्यवस्था बना रखी है। तो वो प्राणी जो सतनाम के दूसरे मंत्र का जो उपासक है, वो यहां के ब्रह्मा विष्णु महेश से भी तगड़ी शक्ति का हो जाता है। ये केवल चार भुजा बना सकते हैं, वो पांच भुजा भी दिखा सकता है, दस भुजा भी दिखा सकता है, ऐसी बकवादा में इसने लाए रखेगा, और फिर वो पूंजी समाप्त करके फिर इसको पशु जूनी में ठोक देता है। दूसरा ये करता है कि जैसे दूसरे नाम की कमाई है, उसके आधार से फिर इनको ब्रह्मा विष्णु और शिव की पदवी भी दे देता है, और फिर ये कुछ अपना जीवन बर्बाद करके फिर 84 लाख योगियों में चले जाते हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि बनी बनाई बात ने आप बात आपने क्यों कर बिगाड़ ली, और फिर एक जीव का जीव हो जाता है, एक छोटा सा यानी कोई गधा बन जाएगा, क्या कुत्ता बनेगा या सुअर बनेगा, फिर आ गया वहीं पर जहां से स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए इस ज्ञान की आवश्यकता अत्यधिक आपको, दास इसीलिए ये प्रयत्न कर रहा है, पहले तो जो प्रारंभ किया संगत थोड़ी होती थी, और हम दिन में 3-3 बार सत्संग करता था यह दास, शुरुआत की जब करो था आश्रम में, सुबह 8 से 10, फिर 2 से 4, शाम में 8 से 10, ताकि इनको रंगो रंग में, तो उसका परिणाम ये मिला है कि जड़ हमारी मजबूत हुई, और ये क्रोथाकांड रूपी भयंकर तूफान में भी हमारा कोई पौधा डगमग नहीं हुआ। तो इससे हमें भी परीक्षा हुई कि हमारा दिया हुआ, इस दास का दिया हुआ ज्ञान कितना कारगर रहा हमारे बच्चों पर, 100%। तो इसलिए दास ये चाहता है कि रह रहकर आपको इस रंग में रंग दूं, जो आपको बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है, इस मनुष्य जीवन का मूल काम है। बाकी चाहे यहां कितना है, पूंजीपति बन जाओ, चाहे पृथ्वीपति बन जाओ, वो आपका पूर्व जन्म का संस्कार है, भविष्य आपका जीरो होता है जो सत भक्ति नहीं करता। अब आपको परमात्मा की परिभाषा बताएगी, तो इसलिए परमात्मा कहते हैं स्वयं आकर के, प्रभु अपनी महिमा आप ही करते हैं, आप ही बताते हैं, आप पे आरती, आप पे सजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झान धनकारा, आप नचे अब देखण हारा, कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊ, आप पे भगवान बने, आप पे भगवान हैं, आप ही दास बने, आप ही तत्वदर्शी संत बने, और आप ही अपने ही ऊपर उदाहरण दे करके आपको समझावें, हमारे को समझाते हैं, कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रस्ते में सतगुरु मिल गए, भाई दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद होता है सुना सुनाया ज्ञान, दंत कथा जिसका कोई आधार ना हो।
जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सुप्रीम पावर सर्वेश्वर महेश्वर के कोई माता पिता नहीं, ये सारी ब्रह्मांडों के मालिक हैं, कुल के मालिक हैं, ऐसा सुना करते थे, ऐसा हम जानते थे, ये था लोकवेद। अब इनकी कहानी हमने इन्हीं की जीवनी में पढ़ी, इनकी कथा सुनी, ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। ये परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए गए उस दीपक के रोशनी में हमें दिखाई दिया, पहले हम अंधेरे में डले ढोरे थे। अब देखिएगा, क्योंकि यहां ये कंसेप्ट क्लियर करना अति आवश्यक हो गया। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति थी और हम क्या मानते थे, लोक वेद था वो। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि हम ऐसे लोक वेद के साथ अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे, पीछे लागे जावा थे, रस्ते में सतगुरु मिले, यानी सच्चे ज्ञान देने वाले सतगुरु तत्वदर्शी संत मिले, फिर ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक हमारे सामने हमारे हाथ में थमा दिया, तो अब हम अंधेरे में भटकेंगे नहीं, सीधा रास्ता ग्रहण करेंगे। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत। ये कहां से प्रकाशित है, ये कहां, ये है भक्तों की आराध्या भगवती दुर्गा, ये दुर्गा को कहते हैं देवी, ये दुर्गा पुराण है ये समझो, क्योंकि हम इतने अनजान हैं, हमें ये नहीं पता देवी क्या ना कहें, दुर्गा किसने कहते हैं, यहां तक भी हम तो जय गणेश देवा तक पहुंच गए थे। अब संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये कहां से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशक है, मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, ये इनके फोन नंबर फैक्स नंबर है। इस पुस्तक के 123 पृष्ठ पे और तीसरा स्कंद, पृष्ठ नंबर 123 पृष्ठ पे ये क्या बता रहे हैं, स्वयं स्वीकार कर रहे हैं भगवान विष्णु जी दुर्गा की महिमा करते हैं, स्तुति कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है, हम यानी मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कह रहे मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव यानी जन्म और त्रोभाव में मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। वो क्या स्पष्ट आगे क्या कहते, भगवान शंकर जी बोले कि देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बच्चे यानी बालक हुए, फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात क्या मैं तेरा पुत्र नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हें तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते। अब इस एक ही विवरण से कितनी बातें सिद्ध होगी, एक तो यह होगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है, ये सर्वेश्वर महेश्वर कहां से हो गए जब ये अपजन मृत्यु में है, इनकी भक्ति से जीव सथिर कैसे हो सकता है। दूसरा ये हुआ कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, और तीसरा ये हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, देवी है। और अभी तक हम इनके विषय में क्या सुना करते थे, वो लोक वेद था। तो परमात्मा कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ,
और रस्ते में सतगुरु मिल गए, ये दीपक दे दिया हाथ। अब ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च आपके हाथ में है, अब इसकी रोशनी में हम भटक नहीं सकते। अंधेरे में वस्तु के को नहीं पहचाना जा सकता, दीपक यानी टॉर्च प्रकाश में हम आसानी से उसका परीक्षण कर सकते हैं। तो अभी तक जो लोकभेद परमात्मा, इसलिए अप आरती अप सजय अप किंगर अप बजय अप ताल झां झनकारा, आप नचे आप देखना रहा। अब अपने ऊपर कह रहा है कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, स्वयं नहीं हमारे को संकेत करें कि तुम ऐसा जा रहे थे, और जैसे मुझे भगवान सतमार्ग मिल गया, क्योंकि वो स्वयं रोल कर रहे थे एक शिष्य का, स्वयं सुयोग्य शिष्य का स्वयं वो रोल कर रहे थे, एक तत्वदर्शी संत का और परमात्मा भी थे ही थे और हैं और रहेंगे। तो उन्होंने हमें ये संकेत किया है कि तुम ऐसे ही भटक रहे हो, उस लोक वेद के आधार से तुम गलत साधना करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। तो अब क्या इस सारी थ्योरी से सारा सिद्धांत प्रकरण आपको दिया, इसका उद्देश्य क्या था समझाने का कि परमात्मा कहते राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, भाई कदे तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। अब कौन से राम का जाप जपे, कौन से राम का नाम जपे। अब हम राम नाम सुनते ही श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के ऊपर हमारी सुई चली जाती थी माइंड की, हमारी बुद्धि वही पहुंच जाती थी कि वो राम है, उन्हीं का नाम जाप करना चाहिए। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी से हमें पता चला कि राम कौन है, अब हमने उस राम की भक्ति करनी है। कौन से राम की? श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उस सर पुरुष ने बोला है कि अर्जुन तो सर्व भाव से, यानी और किसी देव में किसी भगवान में आस्था मत रख, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की यानी तत् ब्रह्म की शरण में जा। तत् माने उस, ब्रह्म माने परमात्मा परमेश्वर। अब जैसे आपको बताना कि यदि ईश शब्द सुफिशेंट है परमात्मा के लिए ईश, लेकिन ईश्वर इस परमेश्वर इसलिए कहना पड़ा कि ये और भी मालिक बने बैठे हैं, तो उन पर हम ज्यादा आसक्त होने के कारण हम उस, इसलिए वो परमेश्वर कहना पड़ा, तत् ब्रह्म कहना पड़ा। तत् ब्रह्म कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, जिस तत्ब्रह्म के विषय में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि उसके जानने के बाद फिर ये प्राणी केवल जन्म मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है, या जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करता है, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, तो वो किम तत्ब्रह्म, वो कौन है वो तत्ब्रह्म, वो परमात्मा कौन है? उसका उत्तर 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है।